जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नौकरीखबर.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आ चुकी साल 2022 के लिए नई सीधी भर्ती के बारे में, जहां पर आप सभी के लिए असिस्टेंट जैसी पोस्ट पर 1900 से भी ज़्यादा नंबर वैकेंसी के ऊपर भर्तियों के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए लिंक भी एक्टिवेट कर दिए गए हैं। आप लोग आने वाली 23 सितंबर 2022 तक घर बैठे बिना किसी एक्स्ट्रा चार्जेस के ऑनलाइन तरीके से अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से आवेदन भी कर पाएंगे। आवेदन आपको कैसे करना है, इसके बारे में आगे हम आपको जानकारी देने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग भी DRDO को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपकी ड्रीम जॉब है DRDO को ज्वाइन करना, और इसके अलावा DRDO को ज्वाइन करके भारत देश की सेवा करना चाहते हैं, तो आप सभी लोग आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बेसिक से लेकर अपर लेवल की जानकारी चेकआउट करने वाले हैं नोटिफिकेशन के माध्यम से। इसके अलावा आपको कई ऐसी बातें बताऊंगा जो कि आप सभी को पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी वैकेंसी आ चुकी है। आगे हम सिलेबस के बारे में, सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, सैलरी के बारे में और भी कई सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो आपके काम की लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और ऐसी ही अपडेट आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग यहां पे देख पाएंगे हम लोग DRDO की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर विजिट कर रहे हैं, www.drdo.government.in। यहां पे आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। यहां पे सेप्टम 10 आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, और यहां पे आपको न्यू का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा, विज्ञापन भी यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने नोटिफिकेशन डाउनलोडिंग के लिए आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ से आप लोग सारी जानकारी चेकआउट कर सकते हैं। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर जो है तो नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है, तो चलिए हम लोग उसको ओपन कर लेते हैं। आपको डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और जहां पे आप लोग कमेंट करते हैं फर्स्ट कमेंट के अंदर दे दूंगा, तो क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों, हमारा नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं DRDO सेप्टम 10 रिक्रूटमेंट है 2022 के लिए नोटिफिकेशन। आप लोग sarkarirezult.rupalo पे जाके भी इस वैकेंसी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चेकआउट कर सकते हैं। इसको मैं जूम करता हूं ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। चेकआउट करिए यहाँ पे सेंटर फॉर, यहाँ पे आपको पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट यहाँ पे सेप्टम देखने को मिलेगा, और इसके अलावा DRDO अगल बगल आपको मिल जाएगा, सेप्टम भी मिल जाएगा। एडवर्टाइजमेंट का नंबर सिंपल सा है, सेप्टम 10 है, यहाँ पे आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रिक्रूटमेंट ऑफ 1901 वैकेंसी, यानी कि यहाँ पे वैकेंसी क्लियर हो गई, 1900 प्लस वैकेंसी है फॉर दी पोस्ट ऑफ सीनियर टेक्निकल, और यहाँ पे असिस्टेंट भी मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको टेक्नीशियन मिल जाएगा ए के अंदर, और अंडर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे आपको टेक्निकल कैडरे यानी कि DRTC देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसी हैं। बात करें कि यहाँ पे आप लोग एलिजिबिलिटी चेकआउट कर सकते हैं 23 सितंबर 2022, यहाँ पर आप देख पाएंगे ऑनलाइन आपका 3 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आखिरी डेट है 23 सितंबर। इट मीन्स कि यहाँ पर आप लोग 3 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद यहां से नीचे आएंगे, सेक्शन ए मिलेगा। सेक्शन ए के अंदर फर्स्ट के अंदर आपको वेतन के बारे में जानकारी दी गई है, जो कि आपको 35,400 से 1,12,400 रुपए तक का प्रोवाइड करा जाएगा। ये यहां पे आपका अलग अलग पोस्ट के हिसाब से अलग अलग वेतन होने वाला है। यहां पे आपकी एज के बारे में बताया गया, 18 से लेकर 28 साल की आपकी एज होनी चाहिए। इसके अलावा आपको एज में छूट भी मिलने वाला है। कितना छूट मिलेगा इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं डिपार्टमेंट एजुकेशन और वैकेंसी यहां पे आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद यहां से नीचे आएंगे तो आप लोग देख सकते हैं यहां पे टोटल आपको कई सारे सेक्शंस मिल जाएंगे। इनके अंदर की वैकेंसी तो आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करके ही चेकआउट करनी पड़ेगी। यहां पे देखिए 1.2 करके है, यहां पे जो वेतन आपको मिलेगा टेक्नीशियन ए के अंदर वो 19,900 से 63,200 रुपये तक का होने वाला है। सेम 18 से लेकर 28 साल की एज यहाँ पर भी मैंसन करी गई है, और यहाँ पर टोटल नंबर वैकेंसी यहाँ पर आप लोग ट्रेड या डिसिप्लिन चेकआउट कर सकते हैं। साथ में पोस्टिंग स्टेशन भी यहाँ पर दिया गया है। ये जो पोस्टिंग स्टेशन का कोड है, इसके नीचे यहां पे बताया गया है कि A1 यानी A2 यानी क्या होता है, B2 S2 P1 यानी क्या होता है, ये आपको नीचे देखने को मिलेगा। यहां पे आपका 10th क्लास जो है तो पास होना चाहिए, प्लस यहां पे ITI आपने करी होगी, तो आप लोग ट्रेड वाइज
पोस्ट चेकआउट करके आवेदन कर सकते हैं। सेक्शन 2 के अंदर यहाँ पे और भी कई सारी जानकारी मेंशन करी गई है। एलिजिबिलिटी कंडीशन क्राइटेरिया भी मेंशन किया गया है। कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए तभी आप लोग आवेदन कर पाएंगे। मेडिकल फिटनेस आपकी होनी चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि NOC होना चाहिए। और इसके अलावा कैसे आप आवेदन कर सकते हैं इसके बारे में भी यहाँ पे जानकारी दी गई है। पूरा डिटेल नोटिफिकेशन आउट किया जा चुका है जो कि आपके सामने ओपन है। यहीं पे अगर हम बात करें एग्जामिनेशन सिटीज़ के बारे में तो टोटल यहाँ पे 39 सिटीज़ के नाम लिखे हैं। अगर मैं आपको बताऊँ कुछ सिटीज़ के, यहाँ पे आगरा, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई और यहाँ पे कोयम्बटूर, देहरादून, दिल्ली, NCR, गोरखपुर, गुवाहाटी, ग्वालियर के बाद यहाँ पे आपको हैदराबाद देखने को मिल जाएगा, नागपुर, नासिक, पंजी, पटना, यहाँ पे पोर्ट और साथ में पुणे, यहाँ पे रायपुर, रांची, सिगरौली और यहाँ पे तिरुअनंतपुरम, साथ में वाराणसी और विशाखापट्टनम, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, कोची, कानपुर, जोधपुर, जम्मू, जयपुर, जबलपुर, ईटानगर जैसी यहाँ पे सिटीज़ आपको मिल जाएंगी जहाँ पे आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो आप इनको चेक करिए। बाकी आप लोग यहाँ पे जानकारी देख सकते हैं आपके सिलेबस के बारे में। CBT फॉर स्क्रीनिंग यानी कि कंप्यूटर बेस्ड यहाँ पे आपका एग्ज़ाम होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 हैं, 120 नंबर का रहेगा और 90 मिनट यानी कि डेढ़ घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। CBT यहाँ पे आपका जो सेकंड है, यहाँ पे टेस्ट स्पेसिफिक टू सब्जेक्ट और पोस्ट कोड, यहाँ पे 100 क्वेश्चंस मिलेंगे 100 नंबर के और डेढ़ घंटे का टाइम यहाँ पे भी आपको दिया जाएगा। एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपका कोई भी किसी भी तरह का निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट वाली बात है कि आप लोग सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से और नीचे आएंगे, काफ़ी सारी जानकारी है, मैंने मेन जानकारी कवर कर दी है, बाकी आप लोग नोटिफिकेशन के माध्यम से चेकआउट कर सकते हैं। तो आगे हम बात भी करेंगे इसके बारे में और डिटेल में, बस आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आ चुकी साल 2022 के लिए नई सीधी भर्ती के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आप लोगों को मैंने पूरा कंप्लीट नोटिफिकेशन डाउनलोड करके ओपन करके दिखा दिया है। यहाँ पे आपको सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन ए की पोस्ट वैकेंसी मिलेंगी। इनके अंदर ट्रेड वाइज वैकेंसी अगर आपको चेकआउट करनी है तो नोटिफिकेशन को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। टोटल यहाँ पे आपको 1900 से भी ज्यादा यहां पे नंबर ऑफ वैकेंसी मिलेंगी, जिनके लिए मेल एंड फीमेल यानी कि महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा ऑल इंडिया लेवल की जॉब देखने को मिल जाएगी और आने वाली 23 सितंबर 2022 तक आप लोग आवेदन भी कर सकते हैं। अगर यहां तक वीडियो आपको आपके काम की लगा हो तो आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कर दें और अभी के अभी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चले चलते हैं आज के अपने मेन टॉपिक और ऑफिशियल वेबसाइट पर। दोस्तों आपको आवेदन करने का, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का और बाकी सारी डिटेल में जानकारी देखने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आप लोग जहां पे कमेंट करते हैं वहां पे पिन कर दूंगा, तो क्लिक करके इस पेज पे आ पाएंगे। यहां पे आने के बाद देख पाएंगे DRDO रिक्रूटमेंट है 2022 के लिए। आपको आवेदन ऑनलाइन तरीके से फिल करने होंगे। अधिक जानकारी के लिए आप लोग हमेशा गूगल पे sarkarirezult.000 टाइप करेंगे, जो बेसिक लेवल की पोस्टें होती यहां पे आपको देखने को मिल जाएंगी। यहां पे सेप्टम 10 की तरफ से वैकेंसी है, यहाँ पे 1901 टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी मिलेंगी। यहाँ पे आपको सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन ए की वैकेंसी देखने को मिलेंगी। कम से कम आपकी उम्र 18 होनी चाहिए और मैक्स टू मैक्स रिलैक्सेशन के साथ 33 यानी कि 33 वर्ष की आपकी उम्र होनी चाहिए। अप्लीकेशन फीस यहाँ पे आपका केवल 100 रुपीज लगेगा और अगर आप लोग SC ST या किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो बिल्कुल फ्री में आवेदन कर पाएंगे। टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब टुडे की लिस्ट है, क्लिकर पे क्लिक करके आप लोग जिस किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हैं आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा डिपार्टमेंट आपको डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल जाएगा। ऑल इंडिया लेवल की जॉब है, आप लोग भारत के किसी भी राज्य से आवेदन भी फिल कर पाएंगे। तो ऑन एवरेज यहाँ पे आपका वेतन है स्टार्टिंग का 19,900 से 63,200 है और अपर लेवल की पोस्ट के लिए यहाँ पे और भी ज़्यादा वेतन देखने को मिलेगा। एजुकेशन यहाँ पे 10th प्लस ITI या फिर डिग्री डिप्लोमा अगर आपके पास है तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। आखिरी डेट 23 सितंबर की है, इससे पहले आपको आवेदन करना है। यहाँ पर आपका सिलेक्शन CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम के बेस पर होने वाला है। साथ ही साथ
3 सितंबर 2022 से ऑनलाइन स्टार्ट होंगे। सबसे पहले आपको आवेदन करने की वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। 23 सितंबर 2022 तक आवेदन चलेंगे। इसके अलावा अगर बात करें इंपॉर्टेंट लिंक के बारे में तो यहाँ पे आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट लिंक मिल जाएंगे। यहीं से आप लोग नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। कहीं भी जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। नोटिफिकेशन को डाउनलोड करिए, आवेदन करिए। कोई भी डाउट होता है तो पूछिए। इस वीडियो के लिए 300 लाइक का टारगेट कंप्लीट करिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।